गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम शिल्पा। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बाहर जाने वाली हूँ, बहुत सारा चीज़ों को ख़रीदना है। कहाँ कहाँ जा रही हूँ ये सब मैं इस वीडियो में दूंगी। तो अभी अभी जस्ट मैं आई हूँ स्कूल से वापस, और अगले ही हफ्ते हम लोगों के स्कूल का एनुअल फंक्शन है। तो उसकी मतलब वो एनुअल फंक्शन में जाने के लिए जो जो ड्रेस कहा है हम लोगों को, मतलब जो साड़ी पहन के जाना पड़ेगा, तो वही ख़रीदने के लिए मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, मार्केटिंग करने, मतलब कॉस्मेटिक्स ख़रीदना है। और अरिजीत का एक चीज़ है जो चेंज भी करना है। तो जस्ट मैं अभी अभी स्कूल से आई हूँ, और आके मैं अभी जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और मुझे मतलब मैं फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद रेडी होंगी, फ्रेश होके उसके बाद रेडी होंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, ठीक है? तो दोस्तों मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मैंने नहा भी लिया है, और मतलब जो जो होता है सारा सब कुछ कर लिया है, और मैंने ड्रेस भी पहन लिया है। मैंने देखिए चोटी कर लिया है क्योंकि मुझे हेलमेट पहनना है। अगर यहाँ पे पौनी ऊंचा करके खोपा करूँगी तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए चोटी कर लिया है। और मैंने अभी मतलब मुझे देख के आप लोगों को शायद लगेगा इसकी मत की इस लड़की के बदन में चर्बी चढ़ गया है, मतलब आपको मत सिखा, चल। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं स्वेटर पहनूंगी थोड़ी देर बाद, निकलने से पहले मैं स्वेटर पहन लूंगी। तो बाहर तो धूप खिला है लेकिन बहुत तेज़ हवा भी दे रही है, तो इसलिए स्वेटर तो पहनना पड़ेगा, और कानों में भी ढकना, कानों को भी ढकना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है, और अरिजीत का जो सामान है वो भी रेडी कर लिया है। तो ज़्यादा बकबक ना करके मैं निकलती हूँ, आप लोग चलिए रहिए मेरे साथ लास्ट तक, ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ, बाहर ही मैंने गाड़ी खड़ा करके रखा हुआ है, तो गाड़ी निकालने की तो कोई झंझट ही नहीं है, सिर्फ जाऊँगी और गाड़ी पर बैठ के निकल जाऊँगी। तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। हाँ, और हाँ, रास्ते पे मैंने मतलब रास्ते पे मैं अपने मम्मी को पिकअप करूँगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो मम्मी को पिकअप करने के बाद वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो हम लोग आए हैं अभी बर्धमान के नवाब हाट में। यहाँ पे हर शुक्रवार उत्तरा हाट कह के एक हाट बैठता है, तो उसी हाट पे हम लोग आए हैं। यूँ स्कूल का जो ड्रेस कोड है, मतलब वाइट एंड रेड में साड़ी खरीदना पड़ेगा, तो वही साड़ी मैं यहीं से खरीदूंगी। तो आप लोग रहिए मेरे साथ और देखिए मैं क्या कौन सा साड़ी खरीद रही हूँ, ठीक है? मैंने और मम्मी ने एक एक साड़ी खरीद लिया है, अब हम लोग जाएंगे बाहर। बाहर का नज़ारा ये है, इस बिल्डिंग में ही बर्धमान का हाट बैठता है, और ये है बर्धमान का एंट्री गेट, ये है बर्धमान का गेट, मेन गेट, ये बाहर का नज़ारा। इसके बाद हम लोग आ गए हैं रिलायंस पे, यहीं से अरिजीत का ड्रेस चेंज करेंगे, ड्रेस यानी उसका जैकेट है, जैकेट चेंज करके एक दूसरा जैकेट लेके जाएंगे। तो रिलायंस से हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं नोटरा सिनेमा हॉल पे। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की सारी चीज़ें मिल जाता है। ये है चौधरी बाजार में नोटरा सिनेमा हॉल है, बर्धमान के चौधरी बाजार में, और मेरा एक फिक्स दुकान है जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ। इस सारे दुकानों से मैं नहीं ख़रीदती हूँ, मेरे सामने जो दुकान आ रहा है ये दुकान, इस दुकान से मैं अपने सारे कॉस्मेटिक्स के चीज़ें ख़रीदती हूँ। तो ये दीदी मुझे दिखाएंगे एक एक करके सारी चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ला के देंगे अभी। कॉस्मेटिक्स की दुकान से हम लोग सीधे आ गए हैं पार्लर। शादी के बाद नेक्स्ट टाइम मुझे इतना ज़्यादा पेन मिलेगा, मतलब शादी के बाद सेकंड टाइम मैं पूरा मुंह फेस का हेयर रिमूवल कराने वाली हूँ, तो आप लोग रहिए मेरे साथ। तो पार्लर में अभी इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, एक दीदी का हो रहा है, उसके बाद ही मेरी बारी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
मेरा हो चुका है, अभी बज रहा है 4, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया यहाँ पे, तो अभी मैं जा रही हूँ घर, घर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। बिना ड्रेस चेंज किए ही मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, मेरा स्टूडेंट आ गया था पढ़ने के लिए, इसलिए ड्रेस भी मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ स्वेटर जो पहने हुए थे पहना था मैंने वो वाला चेंज किया, और ये शॉल ले लिया है, और अभी मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो इसे पढ़ा के उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने बाहर से क्या क्या खरीदा है एनुअल फंक्शन के लिए, और सारी बातें तभी कर लूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा, आप टाटा नहीं सॉरी हाँ, तो अभी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक देखना मैंने क्या क्या खरीदा है और सारा दिन क्या क्या किया है, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, तो मेरा पढ़ाना हो चुका है और पढ़ा के मैं अभी आई हूँ ऊपर, तो आप लोगों ने तो देखा ही है पूरा वीडियो में कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो पहले तो मैं गई थी क्या नाम है उत्तराहाट, नवाबहाट में जो बैठता है वो वाला हाट पे गई थी, वहाँ से मैंने एक साड़ी खरीदा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद मैं गई रिलायंस पे, वहाँ पर अरिजीत का ड्रेस चेंज करना था, कोट मतलब जैकेट लिया था वो वाला चेंज करना था, लेकिन मतलब चेंज कर दिए हैं लेकिन कुछ खरीदे नहीं हैं, पैसा वहीं पर जमा रखे हैं, क्रेडिट क्या बोला तूने, पहले क्या बोला, चल करके रखे हैं वहीं पे, तो बाद में किसी दिन जाएंगे तो वो पैसे से कुछ खरीद लेंगे, आज नहीं खरीदे वहाँ से कुछ भी। उसके बाद मैं गई नटराज, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स का कुछ चीज़ खरीदना था, आफ्टरऑल एनुअल फंक्शन है हम लोगों के स्कूल का, तो सजना संवरना तो पड़ेगा ही ना, तो आप लोगों, तो मैंने मतलब आप लोगों ने तो मुझे सिंपल ही दिखाया, लेकिन उस दिन थोड़ा सा सोच रही हूँ मेकअप वेकअप करूँगी, तो जो भी हो, तो वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और वहाँ से उसके बाद तो मैं गई नीलांजना ब्यूटी पार्लर में, वहाँ पे फेशियल किया, देखो मेरी स्किन पे ग्लो आ रहा है कि नहीं पता है, जैसी हुई इसी वैसे ही दिखूंगी, पर किया दिल की तसल्ली के लिए, थोड़ा कर लिया है, मन से अगर लगेगा मुझे कि मैं अच्छी दिख रही हूँ तो अच्छी दिख रही हूँ, अगर मैं खुद ही समझूंगी कि मुझे बुरा लग रहा है दिखने में, अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने करवा लिया है कि कोई सोचे या ना सोचे, मैं तो सोचूंगी कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरा सेट डार्क है तो जो भी हो अच्छा तो लगेगा ही। तो मैंने फेशियल भी करवाया और पूरा मुंह फेस का हेयर रिमूव भी करवाया, तो इतना ज़्यादा पेन हुआ क्या बताएं, मतलब शादी के टाइम पे किए थे, सेकंड टाइम ये वाला दर्द सहा मैंने शादी के बाद, 3 साल बाद मैंने मतलब हेयर रिमूव किया फेस का, मैं करवाती नहीं हूँ क्योंकि ये दर्द होता है इतना ज़्यादा, तो इसलिए ही मैं करवाती नहीं हूँ, तो फिर भी करवाया इस बार, अच्छी तरीके से सजना पड़ेगा इसलिए करवाया, मतलब बहुत ज़्यादा ही दर्द हुआ था, लेकिन कोई नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं ग्लो पाने के लिए, देखिए मेरी स्किन ग्लो आ रहा है कि नहीं तो बकवास की बातें बाद में करेंगे, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है, उसके बाद मतलब दिखाते दिखाते आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो मैंने ये वाला साड़ी खरीदा है लाल और वाइट में, इसी कलर कॉम्बिनेशन में पढ़ना पड़ेगा, मतलब साड़ी पहनने के लिए कहा है हेड सर ने, ये मतलब स्ट्रिक्ट नियम है कि लाल और सादा कलर में ही साड़ी पहनना पड़ेगा, तो ये वाला साड़ी खरीदे हैं, ये वाला डिज़ाइन पूरा मतलब ऑल ओवर बॉडी में है और साड़ी अच्छा लग रहा था देखने में, इसलिए मैंने ये वाला ही लिया, अच्छा है ना देखने में, आप लोग कॉमेंट पर ज़रूर बताना कि साड़ी कैसा हुआ है, ठीक है। वो नटराज से मैंने मतलब कॉस्मेटिक्स के दुकान से मैंने ये सारा चीज़ खरीदा है, लैक्मी का 925 CC क्रीम खरीदा है एक, ये वाला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, और एपिक का एक ये क्या है मस्कारा है, ये वाला मस्कारा भी खरीदा है मैंने, और एक लैक्मी एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस वाला कॉम्पैक्ट खरीदा है, और एक लाइनर खरीदा है एपिक का, बस इतना में ही बहुत ज़्यादा बिल हो गया था इसलिए कुछ और नहीं खरीदे, यही सब कुछ ज़रूरत था इसलिए यही सब खरीदे हैं और कुछ नहीं खरीदे, तो यही सब था जो सारा दिन में मैंने खरीदा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पार्लर में ही, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो ये सब कुछ ही खरीदे हैं एनुअल फंक्शन के लिए और कुछ नहीं खरीदे हैं, और बहुत ज़्यादा ही थक भी गई हूँ सारा दिन इधर उधर करके, पार्लर में जो फेशियल किया वहाँ पे जो मसाज दिया ना मुझे बहुत ही मज़ेदार था क्या बताएं, तो जो भी हूँ वहाँ पे आराम हुआ था मुझे,
तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी हूँ। मालूम है वहाँ पे रिलैक्स होके आई हूँ पार्लर पे, लेकिन फिर भी मुझे ड्रेस भी चेंज करना है, बहुत सारा काम भी है, स्कूल के एनुअल फंक्शन है, तो आप लोग मेरे साथ रहना। मैं एनुअल फंक्शन की भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना उस वीडियो को, लाइक कर देना और कमेंट तो ज़रूर करना, और अपने नियरेस्ट जो दोस्त हैं उन लोगों में भी शेयर कर देना। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना इस वीडियो में भी, और अपने नियरेस्ट दोस्तों में शेयर करना। लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने नियरेस्ट जो दोस्त हैं उन लोगों में भी शेयर कर देना मेरे चैनल का लिंक, कि वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। तो टाटा, गुड नाइट।